हेलो एंड वेलकम टू शिफ्टिंग गियर्स। ये है महिंद्रा की XUV 3XO। दिस इज अ फेसलिफ्ट अवतार ऑफ द XUV 300 और XUV 300, व्हाटएवर यू वुड लाइक टू कॉल इट। बट दिस इज अ मेजर मेकओवर एंड दिस इज अ रीब्रांडिंग एक्सरसाइज। ये एक सब 4 मीटर 5 सीटर कॉम्पैक्ट SUV है एंड इट इज नाउ कॉल्ड द महिंद्रा XUV 3XO। इस तरह का नॉमेनक्लेचर आपने और किसी दूसरे महिंद्रा XUV रेंज में नहीं देखा है। दिस कार इज गोइंग टू राइवल द लाइक्स ऑफ द टाटा नेक्सॉन, Hyundai Venue एंड किया सोनेट। महिंद्रा को इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस है दैट बिकॉज ऑफ द लार्जर डायमेंशंस एज पर सेगमेंट स्टैंडर्ड्स, दिस महिंद्रा XUV 3XO कैन ऑल्सो राइवल द लाइक्स ऑफ द Skoda Kushaq, Volkswagen Tiguan एंड इवन द Hyundai Creta। But the Hyundai Creta, we think, is a little too, you know, out of the league for this XUV 3XO. But then, nevertheless, इस वीडियो में हम बात करेंगे इस गाड़ी के इंटीरियर कैबिन के बारे में, स्पेस के बारे में, फीचर्स के बारे में एंड अबाउट दी क्वालिटी। हमने अलग वीडियो अपलोड किया है जहाँ पे हम बात करते हैं इस गाड़ी के एक्सटीरियर डिज़ाइन के बारे में एंड वी ऑल्सो हैव अ वेरी डिटेल्ड ड्राइव रिव्यू वीडियो ऑफ दिस XUV 3XO। दिस इज अ 5 सीटर सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट SUV। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं बूट में से। यहाँ पे टेल गेट ओपन करने के लिए आपको एक रिक्वेस्ट बटन दिया गया है, बट चेक इट आउट, देर इज नो कटआउट ओवर हियर विच इज गोइंग टू बी अ टेल टेल साइन दैट दैट रिक्वेस्ट सेंसर इज ओवर हियर। दिस इज वेरी अनयूजुअल फॉर एनी ब्रांड दैट देर इज नो साइन यहाँ से आपको टेल गेट ओपन करना है। दिस शुड हैव बीन कंसिडर्ड, दिस शुड हैव बीन थॉट अबाउट, बिकॉज अगर ये गाड़ी लेके आप किसी 5-स्टार होटल में चले जाते हो या किसी भी होटल में चले जाते हो वेयर द सिक्योरिटी वॉन्ट्स टू ओपन द बूट, हाउ आर दे गोइंग टू फाइंड आउट? दे विल हैव टू फिडल अराउंड विद देयर फिंगर्स बिलो द टेल गेट शॉट लाइन। सो चेक दिस आउट, यहाँ पे आपको मिलता है वो टेल गेट का ओपनिंग बटन एंड वंस यू ओपन इट अप, इतनी बूट स्पेस आपको मिलती है। नाउ द नंबर इन टर्म्स ऑफ द बूट स्पेस कैपेसिटी इज नॉट रियली क्लास लीडिंग, लेकिन यहाँ पे हमने रखी है एक लार्ज साइज्ड कैबिन बैग। देन यू कैन नोटिस वी हैव अ लैपटॉप बैग, वी हैव वन मोर बैकपैक एंड वी हैव वन मोर कैमरा बैग ओवर हियर अलोंग विद अ गुडी बास्केट एज वेल। इसी के साथ साथ आप और भी ऐसा सामान यहाँ पे कैरी कर पाओगे, मे बी वन मोर कैबिन साइज्ड बैग और मे बी टू मोर कैबिन साइज्ड बैग्स। आप एक बड़ी चेक इन साइज बैग भी यहाँ पे रख पाओगे विद सम अदर स्टोरेज यू नो आइटम्स विच यू वॉन्ट टू कैरी ऑन योर लॉन्ग रोड ट्रिप। लेकिन इस गाड़ी के साथ अभी भी आपको एक पार्सल ट्रे नहीं मिल रहा है। दिस इज द AX7L टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट ऑफ दिस XUV 3XO। दिस इज द पेट्रोल ऑटोमेटिक विद ADAS, टर्बो पेट्रोल ऑटोमेटिक विद ADAS, बट नो पार्सल ट्रे। आई रियली डोंट अंडरस्टैंड हाउ इन टुडेज डेट एनी ब्रांड कैन चूज नॉट टू ऑफर अ पार्सल ट्रे, बट यू विल हैव टू लिव विद दिस। यहाँ पे ये जो लोडिंग लिप है ये काफ़ी हाई है, तो आपको आपका सामान जो है वो काफ़ी हाई उठा के उसे अंदर बाहर आपको रखना होगा। बट महिंद्रा ऑब्वियसली नोज दिस फैक्ट, इसके वजह से ये जो बम्पर सेक्शन है आप देख लीजिए, हार्ड प्लास्टिक, नो पेंटेड सरफेस, तो यहाँ पे कोई चीज़ डैमेज नहीं करने वाली है आपके पेंटेड सरफेस को, बिकॉज देर इज़ नो पेंट एक्चुअली। एंड दिस इज एक्चुअली समथिंग दैट आई रियली अप्रिशिएट, बिकॉज देन आपकी गाड़ी जो है वो ज़्यादा यूसेज मार्क्स नहीं दिखाएगी ओवर योर ओनरशिप साइकिल। बट टू गेट heavy items in and out, it is going to be quite a bit of an effort and you will have to live with this. Yahan pe aap dekh lijiye, rear seat pe aapko 60-40 split milta hai, so if you want to carry bigger items you have that option. So agar aap IKEA chale jate ho and you randomly decide to bring home a new dining table, you can easily fit that over here. So versatility aapko zarur milti hai, so you will have to, you know, make peace with the space that is available here. The only issue is that the loading lip is high, but otherwise luggage carrying capacity ke bare mein aapko koi zyada complaints nahi honge because this is generous enough. Aur agar aap chaho to is tarah se sirf 40% section ko bhi split rakh sakte ho if you want to carry extra items and if you still have maybe 3 people on board inside this XUV 3XO. Tailgate area mein aap dekh lijiye, you have these luggage hooks, आपको सब वूफर दिया गया है, यू हैव अ LED कैबिन लैम्प एज वेल। यहाँ पे आप देख लीजिए, यू हैव दीज स्ट्रैप्स टू होल्ड ऑन टू सम लूज आइटम्स, मे बी आप वाटर बॉटल या पॉलिश करने वाली आपकी बॉटल जो है, डिटेलिंग बॉटल, उसे आप यहाँ पे टक इन कर सकते हो। सो एवरीथिंग हैज़ बीन थॉट अबाउट, बट
इज दिस समथिंग दैट इज गोइंग टू कीप यू हैप्पी इन योर ओनरशिप साइकिल इन टर्म्स ऑफ बूट स्पेस, या आप हमें कॉमेंट्स में जरूर बताइए. नाउ वॉट हैपन्स इज बूट स्पेस इन टर्म्स ऑफ नंबर, ये इतना ज्यादा हाइप किया गया है दैट पीपल थिंक इफ द नंबर इज टू लेस द कार इज नॉट गोइंग टू बी यूजेबल एट ऑल, इट इज नॉट गोइंग टू बी वेरी प्रैक्टिकल. लेकिन ऐसा कितनी बार होता है दैट यू आर 5 पैसेंजर्स ऑन बोर्ड विद अ लॉट ऑफ लगेज? वेरी रेयरली, इजंट इट? सो दिस बूट स्पेस इन माई ओपिनियन इज गुड इनफ फॉर योर वीकेंड रोड ट्रिप्स एंड ऑल्सो फॉर योर डेली यूज केस. एज यू माइट हैव नोटिस्ड, ये टेल गेट जो है ये काफ़ी हैवी है, और अगर आप इसे आसानी से बंद करते हो दिस इज नॉट गोइंग टू लॉक सिक्योरली. आपको टेल टेल लाइट्स दिखाई देंगे इन द स्पीडोमीटर क्लस्टर दैट द टेल गेट नीड्स टू बी शट मोर सिक्योरली, एंड यू हैव टू मेक क्वाइट अ बिट ऑफ एन एफर्ट टू शट इट हार्ड एंड यू नो लॉक दैट टेल गेट सिक्योरली. अभी चलिए बात करते हैं इनग्रेस एंड एग्रेस के बारे में. मेरी हाइट है 5 feet 8 inches एंड दिस इज हाउ टॉल आई लुक नेक्स्ट टू द XUV 3XO. जब मुझे बैठना है इस ड्राइवर सीट में, सबसे पहले तो द डोर ओपन्स नाइस एंड वाइड, सो इसके वजह से आपको गाड़ी में से चढ़ते उतरते समय ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी. द डोर ओपनिंग इज क्वाइट जेनरस. व्हेन आई हैव टू गेट इनसाइड, दिस इज अ मोनोकॉक व्हीकल, तो आपको ज़्यादा पैर उठा के चढ़ने की ज़रूरत नहीं है इस गाड़ी के अंदर. यू कैन वेरी सिंपली गेट इन एंड आउट एंड दिस इज वेरी वेरी ईजी. अगर आपके फैमिली में बुजुर्ग मेंबर्स हैं जो आपकी ये गाड़ी चलाना चाहते हैं, इफ़ योर पेरेंट्स स्टिल ड्राइव, इवन दे कैन वेरी ईजिली कम क्लोज ओवर हियर ऑन द ड्राइवर सीट, सिट ऑन द सीट एंड देन गेट देयर फीट इनसाइड. फॉर द ड्राइवर यहाँ पे आप देख लीजिए, यू हैव दिस सीट हाइट एडजस्टमेंट, मैनुअल सीट हाइट एडजस्टमेंट. इस गाड़ी के साथ आपको कोई इलेक्ट्रिक सीट ऑपरेशन का फंक्शन नहीं मिलता है. चेक आउट द डोर पैड एरिया, सॉफ्ट टच मटेरियल, कॉन्ट्रास्ट स्टिचिंग, ग्लॉस ब्लैक डिटेलिंग, स्टैंडर्ड कंट्रोल्स ओवर हियर, ये सैटिन फिनिश, सिल्वर फिनिश आपको यहाँ पे डोर ओपनिंग लीवर्स के लिए मिलती है. योर स्पीकर कट आउट एंड देन यू हैव अ वेरी जेनरस डोर पॉकेट, दो बॉटल होल्डर्स आपको मिलते हैं एंड देर इज सम एक्स्ट्रा स्पेस टू कैरी सम एक्स्ट्रा स्टफ ओवर हियर. एंड देन हियर यू विल नोटिस यू हैव दिस प्लास्टिक स्कफ प्लेट, और ये प्लास्टिक क्लैडिंग जो है इट इज प्रोटेक्टिंग योर बॉडी शेल ऑफ दिस XUV 3XO. सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी रफ रोड फ्रेंडली. ओवरऑल जब मुझे यहाँ पे बैठते समय या उतरते समय इफ़ आई वॉन्ट टू मेक एनी मूवमेंट, देर इज एम्पल स्पेस ओवर हियर टू वेरी ईजिली एक्सेस दिस सीट हाइट एडजस्टर. और यहाँ पे भी आपको ये बटन्स दिए गए हैं, चेक दिस आउट, दिस इज योर हेडलैम्प लेवलर स्विच, दिस इज फॉर योर पार्क असिस्ट, दिस इज योर इंजन ऑटो स्टार्ट स्टॉप फंक्शनैलिटी एंड देन दिस इज फॉर योर हिल डिसेंट एंड यू नो हिल असिस्ट कंट्रोल. सो प्रिटी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. और ये जो AC वेंट है इसे आप मैन्युअली पूरी तरह से एक्टिव या इसे बंद भी कर सकते हो. ग्लॉस ब्लैक सराउंड विद सम डार्क सिल्वर फिनिश एज वेल. स्पीकिंग अबाउट इनग्रेस एंड एग्रेस फॉर द रियर कैबिन, चेक दिस आउट, डोर इतना ओपन अप हो जाता है एंड व्हेन आई हैव टू गेट इनसाइड नॉट टू मच ऑफ अ प्रॉब्लम एट ऑल. चेक दिस आउट, ये सीट मैंने एडजस्ट की है फॉर माई हाइट माई बॉडी टाइप, डिसेंट लेग रूम दैट इज अवेलेबल, देर इज अ बॉटल ओवर हियर जो मैं यहाँ पे काफ़ी आसानी से रख पाऊंगा. यू कैन हैव 1 liter बॉटल्स ओवर हियर वेरी ईजिली. यू स्टिल हैव प्लेंटी ऑफ स्टोरेज स्पेस ऑन द डोर पैड फॉर एक्स्ट्रा निकनैक्स. अगेन सॉफ्ट टच मटीरियल, ग्लॉस ब्लैक, स्पीकर कट आउट, सैटिन सिल्वर फिनिश. और ये जो ड्राइवर सीट है इसके पीछे भी आपको सीट बैक पॉकेट्स मिलते हैं. लेट मी गेट दिस सीट बैक अप. दोनों ही फ्रंट सीट्स के पीछे आपको सीट बैक पॉकेट्स मिलते हैं एंड दिस पोजिशन ओवर हियर इज नॉट बैड एट ऑल. इट इज़ क्वाइट नाइस एंड स्पेशियस एंड इट इज़ क्वाइट एयरी बिकॉज ये गाड़ी जो है ये आपको लाइटर इंटीरियर कलर्स ऑफर कर रही है, स्पेशली इन दीज टॉप ट्रिम्स. लोअर ट्रिम्स में आपको डार्क कलर्ड इंटीरियर कैबिन मिलती है बट दैट ऑल्सो स्टिल फील स्पेशियस. सो यू नो दिस महिंद्रा XUV 3XO इज ऑफरिंग यू अ रीजनेबली साइज्ड कैबिन फॉर योर कम्फर्ट एंड फॉर द कम्फर्ट ऑफ योर पैसेंजर्स. गाड़ी में से उतरते समय भी आप देख लीजिए, आपको ज़्यादा कॉन्शियस एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है. बट देर इज़ वन थिंग विच यू विल नोटिस इज दैट ये सेक्शन जो है दिस इज़ वाइड, सो यू विल हैव टू गेट योर फुट ऑफ केयरफुली. यहाँ पे आपको कोई स्कफ प्लेट नहीं मिलती है. आई विश दैट वॉज ऑल्सो ऑन ऑफर फॉर द रेयर कैबिन बिकॉज ये प्लास्टिक क्लैडिंग इट इज़ प्रोट्रूडिंग एंड देन यू विल नोटिस दैट देर इज़ दिस थिकनेस ओवर हियर एज वेल ऑन द इनर साइड ऑफ द डोर. सो दिस इज समथिंग दैट यू विल हैव टू कीप इन माइंड जब आप गाड़ी में अंदर बाहर चढ़ते उतरते हो.
Overall, in terms of ingress and egress, this is not a problem at all. And the XUV3XO, I think, is offering reasonable space. अभी चलिए बात करते हैं इंटीरियर केबिन के फीचर्स के बारे में. Now that I am inside the cabin, सबसे पहले गाड़ी शुरू कर देते हैं. Here is your engine start stop button to the left hand side of the steering column and the AC fan blower is at high setting because heat wave alert in Mumbai, in Navi Mumbai. NVH characteristic जो है इस गाड़ी का वो काफ़ी बढ़िया है. The car is very quiet, very calm, very composed inside the cabin. Even out on the highway, गाड़ी जो है ज़्यादा engine noise cabin के अंदर creep in करने नहीं देती है. So do check out our detailed drive review video. Overall, in terms of the look and feel of the dashboard, have a look at this. Dual tone, layered, you know, color scheme and upholstery. Up top, यहाँ पे आपको soft touch material मिलता है. You have this contrast stitching. Then you have this gloss black panel over here with these 3D elements over here. Looks quite nice, looks premium. यहाँ पे ये जो plastic panel है, this is hard plastic, but ये जो texture है, it is mimicking leather upholstery. इसके वजह से भी ये cabin जो है, ये premium दिखाई देती है. Gloss black panel for the AC vents with some dark grey surrounds. And overall, ये जो dashboard है, यहाँ पे up top आपको एक flat section मिलता है. तो भगवान की मूर्ति आप यहाँ पे काफी आसानी से रख पाओगे. Now have a look at the steering wheel. Leather wrapped with perforated leather, gloss black panels, the Twin Peaks Mahindra logo, and it is of the right size. It feels good to hold. Thumb contours भी आपको दिए गए हैं. Steering wheel पे आपको जो buttons मिलते हैं, they are very easy to operate. Nice and large buttons, and आप कोई गलती से दूसरा button press नहीं करोगे जब आप इन्हें ऑपरेट करना चाहते हो. कंट्रोल स्टॉक ऑल्सो ऑफ वेरी गुड क्वालिटी यहाँ पे. एंड यू गेट ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स एंड द वाइपर कंट्रोल इज ऑल्सो यू नो वेरी वेरी डिटेल्ड एंड देर आर अ लॉट ऑफ यू नो ऑप्शंस ओवर हियर फॉर यू. एंड यहाँ पे आपको कोई पैडल शिफ्टर्स नहीं मिलते हैं. सो आई थिंक दैट इज अ मिस इन दिस व्हीकल इन दिस क्लास बिकॉज अदरवाइज इस गाड़ी में आपको काफ़ी ज़्यादा फीचर्स मिल रहे हैं. ओवरऑल नाउ this driver's position is looking more modern because of that new full digital color display speedometer cluster. to chaliye iske bare mein baat kar lete hain. so check this out. over here in this display aapko kafi sare layout options milte hain. sabse pehle main aapko layouts dikha deta hu. so this is display layout and once you select it, this is right now in information mode. now this is minimal mode and you have to keep going back to that display layout and then here you have information. keep noticing the difference and again let us now change it to normal. all right. ट्रांजिशन जो है वो काफ़ी अच्छा है. कलर कॉन्ट्रास्ट जो है वो काफ़ी अच्छा है. ऑल द इन्फॉर्मेशन इज वेरी ईजी टू रीड ओवर हियर. देर इज़ वन मोर हिडन लेआउट ऑप्शन ओवर हियर. अगर आप नेविगेशन ऑप्शन में चले जाते हो, चेक दिस आउट, यू कैन हैव अ फुल नेविगेशन लेआउट ओवर हियर एंड दिस लुक्स वेरी कूल डजंट इट. एंड देर इज स्टिल ऑल द इन्फॉर्मेशन दैट इज क्रिटिकल you know for you which is very easily displayed or ye sabhi information aap aasani se consume kar pate ho. so I really like this speedometer cluster and then there are a lot of options over here like navigation, driver assist, display layout, settings, your alerts, then you have your driver info, fuel efficiency information and yahan pe settings mein aap chale jate ho. let me show it to you. yahin se aap ADAS functionality jo hai ise कंट्रोल कर पाओगे. सो यू हैव योर अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, लेन कीप असिस्ट, स्मार्ट पायलट असिस्ट, हाई बीम असिस्ट, ट्रैफिक साइन रिकग्निशन और जो भी फीचर आपको नहीं चाहिए आप उसे डीएक्टिवेट भी कर सकते हो. एंड चेक दिस आउट, देयर इज अ लॉट दैट इज ऑन ऑफर. ये XUV3XO जो है इट इज ऑफरिंग अ लॉट ऑफ फीचर्स. चेक दिस आउट, ट्रिप कंप्यूटर्स भी आपको यहाँ पे दिए गए हैं एंड यू कैन ऑल्सो गेट अ फुल डिजिटल स्पीड रीड आउट इवन इन द सेंटर जब आप इस गाड़ी को चलाने वाले हो. एंड दैट इन्फॉर्मेशन इज डिस्प्लेड इन द सेंटर. सो
इट इज रिडंडेंट यू माइट से बिकॉज आपको बाकी सारी इंफॉर्मेशन भी मिलती है, बट आई थिंक इट इज अ वेरी वेल डन स्पीडोमीटर क्लस्टर. देन यू हैव दिस पर्टिकुलर यूनिट. दिस इज ऑल्सो अ हाई डेफिनेशन कलर डिस्प्ले इन्फोटेनमेंट स्क्रीन. यहाँ पे आप देख लीजिए, जब आप रिवर्स एंगेज कर देते हो, यू हैव योर 360 डिग्री कैमरा फीड शोन टू यू, एंड आप अलग अलग कैमरा एंगल जो हैं उन्हें देख सकते हो. एंड द डिस्प्ले क्वालिटी इज नाइस, एंड 3D लुक भी आपको यहाँ पे दिखाई देगा. यू आर अनेबल टू मूव इट, नो यू कैन. द टच रिस्पॉन्स इज नॉट वेरी फ्लूइड, बट यू कैन मूव योर व्हीकल ओवर हियर एंड गेट अ बेटर व्यू. आप स्क्रीनशॉट भी कैप्चर कर सकते हो, एंड चेक दिस आउट, यू हैव अ लार्जर स्क्रीन डिस्प्ले. इस तरह से ये जो स्क्रीन है, दिस इज गोइंग टू हेल्प यू ड्राइव योर XUV 3XO सेफली एंड पार्क इट सेफली. ओवरऑल स्क्रीन रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है. आपको एड्रीनॉक्स कनेक्टेड टेक मिल रही है, सो देर आर अ लॉट ऑफ कनेक्टेड फीचर्स विच आर ऑन ऑफर. ड्राइव मोड्स आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, सो यू हैव जिप, जैप, Zoom, 3 drive modes, self-explanatory. Zip is going to be eco mode, Zap is going to be normal mode, and Zoom, as you can notice, it is showing you a racetrack. This is the sportiest setting, and all those changes are seen over here as well. Check this out, I will change the modes now. This is in Zip mode. Layout change ho raha hai, dhyan dijiyega. This is in Zap mode, and This is in Zoom mode. Quite fancy. कुछ लोगों को ये सारे फीचर जो हैं काफ़ी पसंद आते हैं. So Mahindra has done a fine job in, you know, gamifying this and keeping you interested. Display overall काफ़ी crisp है, और आप यहाँ पे काफ़ी सारे widgets जो हैं उन्हें भी add कर पाओगे. Climate control को आप यहाँ से भी control कर सकते हो, but there is no ventilated seat functionality. इवन दो इस गाड़ी में आपको परफोरेटेड लेदरेट सीट अपहोल्स्ट्री मिल रही है, आई थिंक दैट इज अ मिस, बट आई थिंक दैट फीचर इज कमिंग सून इन अनदर अपडेट फॉर दिस XUV 3XO. यहाँ पे आपको बटन्स भी मिलते हैं, एंड आई रियली लाइक दैट यू हैव अ रोटरी वॉल्यूम नॉब, सो यू कैन वेरी क्विकली गेट द वॉल्यूम अप और डाउन. दिस इज अ मस्ट हैव इन एनी कार. आप चाहे 50 स्क्रीन्स दे दीजिए किसी भी कार में, डोंट मिस दिस प्लीज, दिस इज वेरी वेरी यूजफुल. यहाँ पे एक क्विक की भी मिलती है आपको, क्विक एक्सेस बटन दिया गया है फॉर योर 360 डिग्री कैमरा, सो यू कैन वेरी क्विकली एक्टिवेट इट एंड डीएक्टिवेट इट. नीचे आप देख लीजिए एसी वेंट्स जो हैं इन्हें आप पूरी तरह से बंद कर सकते हो इफ यू वांट. यू हैव दैट डार्क ग्रे फिनिश ओवर हियर. ओवरऑल यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा ग्लॉस ब्लैक एलिमेंट्स दिखाई देंगे. एसी वेंट्स के नीचे भी आपको बटन दिए गए हैं. दिस इज फॉर योर हजार्ड लाइट फंक्शनैलिटी, एंड लिसन टू दिस अनोइंग शाइम, दिस बीपिंग साउंड, आई रियली हेट इट. यहाँ से ही आप ड्राइव मोड जो है उन्हें भी सिलेक्ट कर सकते हो. दिस ग्लॉस ब्लैक पैनल हैज दैट 3D काइंड ऑफ अ टेक्सचर्ड फिनिश. ड्यूअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल आपको मिलता है बाय द वे इस गाड़ी में, विच इज ऑल्सो अ सेगमेंट फर्स्ट. वेरी इजी टू ऑपरेट दिस AC कंट्रोल, एंड वेरी लार्ज बटन्स टू ऑपरेट द क्लाइमेट कंट्रोल, सो दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी लाइक्ड एंड लव्ड बाय यूजर्स. वेरी इंट्यूटिव, गाड़ी चलाते समय आपको नजरें हटानी नहीं होंगी टू कंट्रोल दिस. एंड देन बिलो द AC control, you have your wireless charging pad, and this is an iPhone 15 Pro Max, which very easily fits in over here. Then you have a 65 watt fast charging USB Type C port, and you have a standard USB A port as well. नीचे ये जो console आपको दिया गया है, you will notice that you are getting gloss black treatment. Let me keep my phone in the wireless charging pad. Check this out. दो कप होल्डर्स, यहाँ पे आपको कोई कवर नहीं मिलता है. You have an electric park brake. You have auto hold functionality. And this gloss black element over here, this is going to show a lot of dust and dirt and fingerprints. So you have to keep cleaning this. Automatic variant हम चला रहे हैं. So check this out. This is your gear stick. You can get it to manual mode by pushing the gear stick to the left and then push it up to upshift, push it down to downshift. आपको इस गाड़ी के साथ कोई steering mounted paddle shifters नहीं मिलते हैं, but you can get manual control over the engine and gearbox making use of this gear stick. Gear stick overall it feels nice, it is of a decent size, but when you are moving these gears,
गियर गेट्स मूव करते समय आपको थोड़ा नॉचीनेस जरूर फील होगा, दैट कुड हैव बीन बेटर। नाउ स्पीकिंग अबाउट द ग्लव बॉक्स, वेरी वेरी लार्ज, आप देख सकते हो बड़े बॉटल्स हमने यहाँ पे रखे हुए हैं एंड दे आर बीइंग कूल्ड बिकॉज दिस इज अ कूल्ड ग्लव बॉक्स, वेरी नाइस, वेरी जेनरसली साइज्ड। सो आपके लॉन्ग रोड ट्रिप्स पे आप काफी सारे बेवरेजेस यहाँ पे चिल्ड रख पाओगे। देन लेट अस स्पीक अबाउट दिस इनसाइड रेयर व्यू मिरर, फ्रेमलेस, ब्यूटिफुल, वेरी वेरी गुड लुकिंग एंड आई रियली रियली लाइक इट, फैंटेस्टिक, देर इज नो कंप्लेन अबाउट दिस एट ऑल, आई रियली अप्रिशिएट इट एंड आई विश दैट अगर दूसरा कोई मैन्युफैक्चरर ये फीचर ऑफर नहीं कर रहा है, दिस इज वॉट यू शुड डू, लर्न फ्रॉम महिंद्रा। अप टॉप ऑन द रूफ कंसोल, एलईडी कैबिन लैंप्स एंड देन दिस इज योर बटन फॉर योर सनरूफ, चेक दिस आउट। इस गाड़ी के साथ आपको एक पैनोरामिक सनरूफ दिया गया है, फर्स्ट इन सेगमेंट, इतना बड़ा सनरूफ आपको और किसी भी गाड़ी में नहीं मिलता है इन दिस सेगमेंट, स्पेशली इन दिस सब 4 meter कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट एंड आई रियली लाइक इट। दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड सेलिंग पॉइंट फॉर दिस एक्सयूवी 3XO। और ये जो सन कर्टन जो है, जितना आप चाहो उतना आप इसे बंद कर सकते हो, यू कैन होल्ड ऑन टू इट, होल्ड इट वेर एवर यू लाइक, सो ऑन अ हॉट सनी डे यू कैन गेट दिस कवर इन प्लेस सो दैट यू डोंट फील द हीट इनसाइड द कैबिन। सो ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ द ड्राइवर्स पॉइंट ऑफ व्यू, ये जो महिंद्रा XUV 3XO है, इट हैज़ ऑल द फीचर्स विच यू माइट नीड इन 2024। एंड बाय द वे द कैमरा राइट नाउ इज एट माई आई लेवल, चेक दिस आउट। ये जो इन्फोटेनमेंट स्क्रीन है, इट इज़ बिलो द विंडस्क्रीन लाइन, सो दिस इज़ नॉट गोइंग टू ईट अप एनी यू नो फील्ड ऑफ व्यू जब आप गाड़ी चला रहे हो, सो दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी इंट्रूसिव एट ऑल। तो आपके फैमिली में अगर शॉर्ट फैमिली मेंबर्स भी इस गाड़ी को चला लेंगे, दिस इज नॉट गोइंग टू कॉज एनी ऑब्स्ट्रक्शन इन देयर फील्ड ऑफ व्यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ स्पेस, चेक दिस आउट, ये ड्राइवर सीट मैंने ऑल द वे लो सेट कर रखी है, इट कांट गो एनी लोअर देन दिस, इतना हेडरूम अवेलेबल है। और ये जो स्टीयरिंग कॉलम है, इसे आप सिर्फ ऊपर नीचे एडजस्ट कर पाओगे, आगे पीछे आप इसे एडजस्ट नहीं कर पाओगे। दिस इज अ वेरी गुड ड्राइविंग सीट पोजिशन फॉर मी एंड ओवरऑल आई हैव ऑल सॉफ्ट टच मटीरियल्स ऑन फ्रीक्वेंट टच पॉइंट्स। तो यहाँ पे जहाँ पे मेरा एल्बो रेस्ट होगा, सॉफ्ट टच मटीरियल, आई हैव एन आर्म रेस्ट, ये बाय द वे एक फिक्स्ड पोजिशन है, ये आगे पीछे मूव नहीं होगा, बट स्टिल दिस इज गिविंग मी अ नाइस सॉफ्ट फीलिंग वेर माई एल्बोज आर रेस्टेड एंड दिस इज अ वेरी नाइस एंड कमांडिंग व्यू। इवन एट द लोएस्ट सेटिंग मुझे बॉनेट की शटलाइन भी दिखाई दे रही है, सो दिस इज गोइंग टू गिव मी प्लेंटी कॉन्फिडेंस इस गाड़ी को चलाते समय। ये जो विंग मिरर्स हैं ये भी काफ़ी बड़े हैं, सो दे विल ऑल्सो ऑफर मी अ गुड व्यू ऑफ वॉट आई एम लीविंग बिहाइंड। एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ अर्गोनॉमिक्स, नो मिस, एवरीथिंग फॉल्स इन योर हैंड एट द राइट स्पॉट, इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम्स फील नहीं होंगे। नाउ चेक आउट दिस सीट, आपको परफोरेटेड लेदरेट सीट अपहोल्स्ट्री मिलती है, दिस इज गोइंग टू बी अ नाइटमेयर टू मेंटेन, ये इतना ज़्यादा लाइट है दैट दिस इज अ ब्रांड न्यू कार बट इट इज स्टिल शोइंग सम साइंस ऑफ एज इन टर्म्स ऑफ यू नो गेटिंग डर्टी। परफोरेटेड लेदर सीट अपहोल्स्ट्री, लेकिन इस गाड़ी में फिर भी वेंटिलेटेड सीट फंक्शनैलिटी नहीं है, दैट इज अ मिस। यहाँ पे आपको ज़्यादा कोई कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स नहीं दिखाई देंगे, बट द सीट इज गुड लुकिंग, इट इज जस्ट दैट इट इज वेरी वेरी लाइट एंड यू विल हैव टू कीप ट्राइंग वेरी हार्ड टू कीप इट लुकिंग लाइक दिस। ये जो आर्मरेस्ट है, यहाँ पे भी आपको ये स्टिचिंग मिलती है, बट देन अगेन नो कॉन्ट्रास्ट स्टिचिंग ओवर हियर, द ओनली कॉन्ट्रास्ट स्टिचिंग दैट यू विल नोटिस इनसाइड द कैबिन इज ओवर हियर ऑन दिस डैशबोर्ड मिड पैड। हैव अ लुक एट दैट सनरूफ, मैंने इसे अभी ओपन कर रखा है एंड ये सनरूफ इतना ही ओपन होता है, इट इज लार्ज एंड इट इज यू नो गोइंग टू अलाउ इवन द रियर ऑक्यूपेंट्स टू लुक एट द स्काई ऑन अ लॉन्ग रोड ट्रिप, सो दिस इज गोइंग टू एड सम एक्स्ट्रा ड्रामा जब आप इस गाड़ी का लॉन्ग रोड ट्रिप्स पे इस्तेमाल करते हो। नाउ व्हेन आई हैव टू गेट इनसाइड इन द बैक सीट, मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया था दैट इनग्रेस एंड एग्रेस इज नॉट रियली अ प्रॉब्लम, दिस सीट राइट नाउ व्हेन एडजस्टेड एट माय ड्राइविंग स्टाइल एंड माय हाइट, फुट रूम जो है वो भी रीजनेबल है, इवन व्हेन आई एम वेयरिंग सच बिग शूज तो मेरे दोनों ही पैर सीट के नीचे मैं टक इन कर सकता हूँ, सीट बैक पॉकेट्स, वेरी गुड लेग रूम, थाई सपोर्ट इज एवरेज नॉट रियली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, हेडरूम इज ऑल्सो अवेलेबल इन रीजनेबल क्वान्टिटी। यहाँ पे आप देख लीजिए आपको ये आर्मरेस्ट मिलता है विथ 2 cup holders, तीनों ही रियर ऑक्यूपेंट्स के लिए आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिए गए हैं एंड ऑल 3 रियर ऑक्यूपेंट्स हैव 3-point seat belts, दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी अ वेरी यूजफुल फीचर जिसके वजह से ये जो सीट बेंच है
It looks nice and neat. Check out this, how neatly these buckles have been positioned. They are not popping out of that seat bench area. Very nice, very, very thoughtful. Isofix child seat mounts aapko diye gaye hain with top tether mounts as well. So this is also going to be very useful for your newborns. Seat bench jo hai, as you can notice, ye gaadi kaafi wide hai. The seat bench is also relatively flat. So you can use the entire real estate area. Aur yahan pe teen log zarur baith payenge. Not maybe for a long time for, you know, really healthy adults, but two adults and a kid over here, definitely it is going to be a comfortable place. Check this out. Jab main yahan pe baith jata hoon as the third passenger, ye transmission hum jo hai, it is not too, you know, intrusive. I can have my feet over here as well, and my feet has enough space. Main is tarah se mere pair yahan pe rakh ke bhi baith sakta hoon. And check this out, even as the third passenger, there is reasonable headroom. Mujhe yahan pe ye headrest bhi diya gaya hai for added comfort and safety. And this is not really a problem at all. आपको पीछे के passengers के लिए AC vents मिलते हैं. इन्हें आप चाहो तो आप पूरी तरह से बंद भी कर सकते हो. You have a type C charging point and you also have a 12 volt charging socket for the rear occupants. Now, when I move to this particular seat, which is the master seat, अगर आप ये गाड़ी खरीद के इसका chauffeur driven तरीके से इस्तेमाल करने वाले हो, and if you sit over here with this seat pushed all the way forward, check this out. Very, very good leg room that is available. Very good foot room. आप आपके पैर पूरी तरह से stretch करके बैठ सकते हो. When you stretch your feet, you get decent under thigh support as well. And check this out. ये seat इतनी flat है that you can actually move to the extreme end of the seat bench. और ये door shut line जो है, it is quite far still. So you can make the most of this seat bench for seating space. अगर आप तीन लोग यहाँ पे सफर करना चाहते हो. Check this out. When I close the door, ये जो window sill area है, it is at my shoulder level and it is allowing a lot of light inside the cabin. ये glass roof जो है, it is also allowing a lot of light inside the cabin. So because of this, ये cabin जो है, वो काफी bright, काफी light, काफी airy feel होती है and it adds to the overall sense of space. Dark themed interior color options जो है, is XUV 3XO के on the lower trims. They are also not really claustrophobic, so do check them out as well. Overall, in terms of space, in terms of practicality, ye gaadi mujhe kaafi decent lagti hai and it is offering you all that you might need and a little more. That is what Mahindra is saying. But are you getting more in terms of your expectations? Is Mahindra meeting, matching and exceeding your expectations? Let us know in the comments below. So that is it. That is all about the interior cabin of this XUV 3XO. Very quickly, I forgot something by the way. Check that out. Aapko cabin lamps milte hain even for the rear passengers. You get them as reading lamps and you get retractable grab handles along with coat hook as well. Aur aapko 6 airbags bhi milte hain is gaadi ke saath. So this is going to be a safe 5-seater sub 4 meter compact SUV for you, which is in a really, really tough fight and a tough race in terms of sales with the Tata Nexon, Hyundai Venue and Kia Sonet. Aapki kya raay hai is Mahindra XUV 3XO ke baare mein? Let us know in the comments below. Till next time, subscribe to the Shifting Gears channel, press that bell icon, always drive safe and always guys, wear your seat belts.